अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद का दूसरा दिन है और हमारा खरीफ 97 की जो ट्रांसमिशन चल रही है जिसका नाम है तहवार की बहार, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी तरफ से एफएम 97 की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम अहबाब को छोटी ईद की बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा जो है ना मुबारकबाद, और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सलामत रखे, आपके जो रमज़ान के रोज़े हैं, आपकी जो इबादत है उसको भी कबूल मंजूर फरमाए और आपको जितनी भी खुशियां हैं वो नसीब फरमाए। प्रोग्राम जो है वो मेरा अब वीकली हुआ करेगा इंशाल्लाह, और प्रोग्राम करने का तरीकाकार जो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और प्रोग्राम करने का तरीकाकार क्यों चेंज किया है वो इसलिए कि देखें यार, आप बातें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ गुफ्तगू भी करें और साथ साथ आप कीमती इनाम भी जीतें। आज का जो प्रोग्राम है उसमें भी मैंने ऐसे ही किया, अगर आप लोग मेरे आसान सवालात का जवाब देंगे तो भाईजान मैं आपको जो कीमती इनाम है वो बजरिया डाक जो है ना आपके घर में पहुँचा दूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से आकर रिसीव करना चाहते तो वो भी मुमकिन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो अपने सवालों का जवाब मुझे देना। एक सवाल जो है वो मैंने कैप्शन के अंदर लिख दिया है, ठीक है, आप वहां पर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं उसको, कि वो कौन है जो 8 महीने जागता है और सिर्फ 4 महीने सोता है। अगर आप इसका सही जवाब देंगे और जो सबसे पहले जवाब देगा, अगर गलत भी देंगे तो फिर मैं उसमें सिलेक्ट कर लूंगा कि कितने लोगों ने अच्छा सही जवाब दिया और किसने कब दिया, तो वो भी इसको काउंट किया जाएगा। वो कौन सी चीज़ है जो 8 महीने जागती है और 4 महीने सोती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, जितने सवालों के जवाब आप देंगे आपको उतने ज़्यादा जो आपके चांसेज हैं इनाम जीतने के। सो आज भी बहुत ज़्यादा और बहुत कीमती इनाम है जो मैं आपको जाते हुए अनाउंस करके जाऊँगा कि कौन जीता है और किसके हवाले ये किया जाएगा। सो अभी रेडियो के ऊपर चलेंगे, अगर आप मुझे यहां पर कॉल वगैरह भी करना चाहते हैं ना तो आप कॉल भी मुझे कर सकते हैं। कॉल करने का जो तरीकाकार है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं अभी जो है एक गाने की तरफ ये लोग जा रहे हैं ना, तो हम इतनी देर में आप लोगों के जो मैसेजेस आए हैं हमें, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे साथ कौन कौन से लोग शामिल हैं और क्या कहते हैं वो लोग। ओके जी, हमारे साथ जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए हैं हम उनको भी शामिल करते हैं, जितने भी अहबाब हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कुछ लाइव कॉल्स होंगी आपकी वो भी शामिल करेंगे। ओके जी, कामरान अहमद हमारे साथ हैं जी, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन उससे पहले हम रेडियो के ऊपर लाइव चले जाते हैं। ओके जी, खुश आमदीद कहते हैं जी रेडियो वालों को भी। राहत फतेह अली खान की आवाज में आप एक खूबसूरत सा गीत एंजॉय कर रहे हैं। कामरान अहमद हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और आपको खुशियां नसीब हों। चौधरी कबीर कह रहे हैं जी, इंसान है जी जो 8 महीने जागता है और 4 महीने सोता, ठीक है जी। आप तमाम अहबाब के जो कमेंट्स हैं, जो आपके जवाब हैं, वो मैं इनको काउंट कर रहा हूँ और इनको सेव भी कर रहा हूँ, हमारी जो टीम है इनको देख रही है, आपका जो जवाब होगा हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे जी। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं ना, बड़ा आसान तरीका है, और मैं इसको आपको, मैं जो इसका सवाल है ना रेडियो वालों को भी मैं बताता चलूं कि वो कौन सी चीज है जी जो 8 महीने जागती है और 4 महीने सोती है। जिया रहमान साहब हमारे साथ हैं, कह रहे हैं जी इंसान है जी वो जो 8 महीने जागता है और 4 महीने सोता है। ओके जी, शायद यही हो जवाब, लेकिन मैं अभी फिल वक्त कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। अब्दुल्ला अहमद हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया, क्या हाल है जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ईद मुबारक टू यू। शाहजेब अजहर हमें कह रहे हैं जी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। इरम हमारे साथ हैं जी, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, बहुत शुक्रिया आपने, और आप कह रही हैं जी आपको वेलकम कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा हर हफ्ते अब ये प्रोग्राम हुआ करेगा और आप लोगों के साथ मैं रहा करूंगा, लेकिन मैं टाइम एंड डेट जो है ना वो अपने फेसबुक पेज पर, जो HKFM 97 का पेज है ना, उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा कि कब प्रोग्राम मेरा हुआ करेगा। 5:15 हुए जाते हैं जी, हमने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक भी प्ले करनी है, और आपको पता है कमर्शियल ब्रेक बड़ी लाजमी और बड़ी अहम होती है।
सवाल है जी, वो कौन सी चीज है जो 8 महीने जागती है और 4 महीने सिर्फ सोती है? जल्दी से इसका जवाब दें ताकि मैं अगले सवाल की जानी बढ़ूं और आपको जो इनाम है वो भी आपको बताऊं कि आज कौन सा इनाम होगा, और ये बड़ा सरप्राइज होगा जी। कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद रेडियो वालों को हम दोबारा से वेलकम कहेंगे और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। द कमर्शियल ब्रेक, ओके। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ ही, साकिब अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, ईद मुबारक, और जवाब दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो भी जवाब दिया है, और देखते हैं कि आपका ये सवाल का जो जवाब है वो ठीक है या फिर नहीं है। ओके, बिलाल अहमद हमारे साथ हैं। बिलाल कहते हैं कि लिज्जत ये क्या है जी, ये हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें जी, ये क्या चीज़ है। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि आपने फेसबुक पे तो आप हमारे साथ लाइव हैं ही हैं, लेकिन अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं और कॉल करके आप जवाब देना चाहते हैं, गपशप लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आपने कॉल करनी है मुझे 0537601961 पर आपने मुझे कॉल करनी है। एक बार फिर से बता देता हूं, 0537601961 पर आपने मुझे कॉल करनी है। व्हाट्सएप पर आप कंपनी मैसेज कर सकते हैं मुझे, कंपनी के नंबर पर मैसेज करेंगे आप 0302-395-9797, यानी कि 0302-395-9797। ओके, ये तो चले हो गए, आपको फीडबैक देने का मैंने तरीका कर बता दिया कि इस तरह से आपने फीडबैक हमें देना है। सो जो लोग हमें जवाब दे रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकें। और मैं आपके लिए कुछ साथ साथ जो है ना सॉन्ग भी देखता हूँ कि कौन सा प्ले करना है अब आपके लिए। आप मुझे गाना भी सुना सकते हैं जी लाइव, अगर आप आते हैं ना हमारे साथ तो आप हमें गाना भी सुनाएं। ओके ओके ओके, यहाँ पर एक गाना है जी, तू गल मेरी मन सोनिए। ओके, ये गाना मुझे ठीक लग रहा है, और ये एक लड़की है जी टिकटॉक बड़ी मशहूर है जी, उन्होंने जो है ना किया है इसको रिकॉर्ड, और इसको बिलाल सईद ने भी गाया है। ओके, इस गाने को एंजॉय करते हैं, और आप लोग मुझे फेसबुक और इर्द गिर्द जितने भी सोशल साइट्स हैं वहां पर देख रहे हैं। अब्दुल्ला अहमद कहते हैं जी इंसान है, बिलाल अहमद कह रहे हैं छिपकली। ओके, एक नया जवाब आ गया जी आपकी तरफ से कि छिपकली है, जिसको हम किरली कहते हैं ना। ज़िया रहमान कहते हैं जी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, सऊदी अरब में हैं आप, बहुत शुक्रिया ज़िया रहमान साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इमरान अहमद इंसान, हाफिज मजीद बट इंसान। ओके, एक सवाल मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ। चलें, एक सवाल तो हो गया और इसका जवाब भी आपने देना है लाजमी, लेकिन दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अलामा मोहम्मद इकबाल ने जो स्नोकर है वो खेलना क्यों छोड़ा था? बड़े ही आसान सवाल पूछ रहा हूँ, और आपको यकीन करें मैं जब इनाम का बताऊंगा क्या इनाम मैं आपको दूंगा, तो वो आप इनाम यहाँ पर आकर रिसीव करेंगे या फिर मैं आपको बजिया डाक आपको पार्सल भी कर दूंगा। आप मुझे बता रहे हैं कि अलामा मोहम्मद इकबाल ने जो है स्नोकर खेलना क्यों छोड़ा था, इसके अलावा मुझे बता रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो 8 महीने जागती है और 4 महीने सोती है। जब तक आप ठीक जवाब नहीं देंगे मैं आपको तंग करता रहूँगा, आपसे पूछता रहूँगा, रेडियो वालों को कहेंगे जी एक गाना सुनाइए आप, खूबसूरत सा गाना है, और इसके बाद हम वापस लौट के आते हैं। ओके जी, रेडियो वालों को भी खुशामदीद कह रहे हैं जी हम। चौधरी कबीर कहते हैं कि इंसान दिन 8 रात 8 16 घंटे कहते हैं। ओके जी भाई जान, आप फेसबुक से लाइव कॉल नहीं उठा सकते जी? रहमान साहब माजरत चाहते हैं, इसमें कुछ सिस्टम नहीं है तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर लाइव कॉल आपकी नहीं ले सकते। आप मुझे पीटी सेल पर कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
हम पूरे 10 मिनट बाद लाइव सेशन फेसबुक का खत्म करेंगे। अब्दुल्ला अहमद हमें कह रहे हैं जी सवाल रिपीट कर दें। सवाल तो मैंने रिपीट कर दिया है जी कि अलामा मोहम्मद इकबाल ने जो है वो स्नोकर खेलना क्यों छोड़ा, जिसको आप बिलियर्ड कहते हैं, आप अपने गांव मोहल्ले में शहरों में खेलते रहते हैं ना, वो ही स्नोकर और अलामा मोहम्मद इकबाल ने वो खेलना क्यों छोड़ा था, वजह बता दें सिर्फ, और वजह भी सिर्फ एक लाइन में होनी चाहिए। इसके अलावा आप बता रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो महीने में जो साल में 8 महीने जागती है और 4 महीने सोती है। 8 मिनट बाद हम लाइव सेशन अपना कंप्लीट करेंगे और अभी एक गाना है जी, हम गाने की तरफ भी चलते हैं जी, क्यों ना हम ये गाना प्ले करें। देखें जी इन्जॉयमेंट तो होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, मैं इसी चीज़ का कायल हूँ कि इंसान जो है वो इन्जॉय करना चाहिए, इंसान को चाहिए कि वो इन्जॉय करता रहे वक्त के साथ साथ। ओके जी, मैं यहाँ पर अपनी फेसबुक पे भी इसको शेयर कर लेता हूँ ताकि यहाँ से जो लोग हैं वो भी हमें देख सकें और हमारे साथ शामिल हो। ओके जी, आपने जो भी जवाब दिया है और जिन लोगों ने हमें जवाब दिया है हम उनको पर्सनली मैसेज करेंगे और इंशाल्लाह उन तक हम पहुँचेंगे और हम जो है उसके बाद आपसे जो है कॉन्टेक्ट करेंगे जिन लोगों ने हमें सही जवाब दिया है। और हम उसके साथ ये नहीं होगा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और उनको हम इनाम नहीं देंगे, हम उनको इनाम देंगे और उनको इनाम देने के बाद उनके साथ एक अच्छी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेने के बाद मैं अपने प्रोग्राम का जो फीडबैक हुआ करेगा वो अपलोड किया करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम जो इनाम है वो कितनी स्मूथली तरीके से अपने जो फैंस हैं, अपने जो लिसनर्स हैं, अपने जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचाते हैं। सो आपने मुझे आज बताया कि वो कौन सी चीज़ है जो 8 महीने जागती है 4 महीने सोती है, और इसके अलावा आपने एक और मुझे बात बताई कि अलामा मोहम्मद इकबाल जो है वो स्नोकर खेलना उन्होंने क्यों छोड़ा था। इसका जवाब भी मुझे मिल गया है, सो मैं रेडियो के ऊपर लाइव जाकर आप लोगों को बताऊंगा। फेसबुक लाइव सेशन में सिर्फ इतना ही, आप लोगों को बहुत सारी बातें बतानी थी वो मैंने आज आपको बताई हैं कि किस तरह से अगले प्रोग्राम्स हुआ करेंगे और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करें, इंशाल्लाह आपके जो इनाम होंगे, जो आपके कीमती इनाम है वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया, और जाते हुए एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं कि FM 97 को सुनते रहिए क्योंकि आपके लिए खसूसी जो हमने ईद की ट्रांसमिशन चलाई है, सो इंजॉय करते रहें त्यौहार की बहार को और आपको छोटी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत मुबारक हो, जजाकल्ला।